Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the halting problem of the Turing machine. So before starting the halting problem of the Turing machine, let's refer to the Church Turing thesis. इसको हमने previous lectures में cover किया है. So according to the Church Turing thesis, anything that we can do on the digital computer can also be done on the Turing thesis. So आप ये कह रहे हैं कि जो digital computer है और जो Turing machine है दोज आर इक्विवेलेंट. इसका मन मीनिंग ये भी है कि जो काम आप ट्यूरिंग मशीन में कर सकते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, और वाइसी वर्सा, मतलब कि जो काम आप ट्यूरिंग मशीन से कर सकते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर, और जो डिजिटल कंप्यूटर से कर सकते हैं वो ट्यूरिंग मशीन से भी कर सकते हैं. इसका मतलब है कि ट्यूरिंग मशीन इज अ पावरफुल मशीन जिसमें आप काफ़ी सारी एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं. नाउ हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन का मतलब ये है, जैसे इसको समझने से पहले मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, एंड दिस प्रोग्राम इज रिटन इन लेट्स से जावा लैंग्वेज. तो अगर आपके पास एक प्रोग्राम है जो कि जावा लैंग्वेज में रिटन है, तो मान लीजिए आपने एक और प्रोग्राम बनाया है पी, जिसको आप ये प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं. तो पी प्रोग्राम क्या ये बता सकता है कि जो रिटन प्रोग्राम है जावा लैंग्वेज में वो हॉल्ट करेगा या नहीं करेगा? हॉल्ट करने का मतलब क्या है कि आंसर देगा और हॉल्ट करेगा, या फिर ये आंसर नहीं देगा, या ये कहेगा कि ये नेगेटिव आंसर देगा. लेट से ये नेगेटिव आंसर देता है और हॉल्ट कर जाता है, तो चाहे वो पॉजिटिव आंसर दे और हॉल्ट कर जाए, और जो नेगेटिव, या फिर नेगेटिव आंसर दे और हॉल्ट कर जाए, या फिर पी क्या ये बता सकता है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है जावा लैंग्वेज में, क्या वो इन्फाइनाइट लूप में जाएगा कि नहीं जाएगा? सो एक क्वेश्चन है जो कि हम पूछ रहे हैं. लेट से प्रोग्राम का नाम हमारा जे प्रोग्राम है, और जे प्रोग्राम को आपने पी प्रोग्राम को प्रोवाइड किया है, और पी प्रोग्राम को ये बताना है कि क्या ये जे प्रोग्राम पॉजिटिव आंसर देके हॉल्ट कर जाएगा, या ये नेगेटिव आंसर देके हॉल्ट कर जाएगा, या ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा. तो ये पी प्रोग्राम के लिए असंभव है ये पता कर पाना कि क्या जे प्रोग्राम इन्फाइनाइट लूप में जाएगा या नहीं जाएगा. इसी तरह से अगर हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन है जो आपने किसी एक लैंग्वेज के लिए बनाया है, लेट्स से आपके पास एक लैंग्वेज एल है और इस लैंग्वेज के लिए आपने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई है, तो अगर फेवरेबल इनपुट अगर आप देते हैं, जो एक ऐसा इनपुट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिंग का जो कि लैंग्वेज का पार्ट है, तो ट्यूरिंग मशीन हो सकता है कि यस कह दे कि यस इसका पार्ट है. लेकिन एक ऐसा इनपुट हम अगर प्रोवाइड करते हैं विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एल, तो उस केस में ट्यूरिंग मशीन हो सकता है कि नो आंसर दे दे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इनफाइनाइट लूप में चला जाए. लेकिन क्या मेरा ट्यूरिंग मशीन इनफाइनाइट लूप में जाएगा या नहीं जाएगा, ये बता पाना असंभव है. तो इसी को हम कह रहे हैं कि दिस इज द हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन. सो वेदर अ ट्यूरिंग मशीन विल गो इन द इनफाइनाइट लूप और इट विल गिव अस द रिजल्ट एंड हॉल्ट. सो कोई भी ऐसा प्रोग्राम या कोई भी ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनाई नहीं जा सकती जो ये आंसर हमें दे दे. सो इसको हम रिलेट करते हैं अपने आज के डिजिटल कंप्यूटर से. मान लीजिए कि आपके पास सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, एंड दैट कंप्यूटर इज नोन एज द सुपर कंप्यूटर. सो क्या सुपर कंप्यूटर के पास ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जा सकता है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया जा सकता है जो हमें ये आंसर दे दे कि अगर हम इसको एक प्रोग्राम पी डैश दें, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये मुझे बता दे कि क्या ये प्रोग्राम पी डैश इनफाइनाइट लूप में जाएगा या नहीं जाएगा? तो ये बता पाना सुपर कंप्यूटर के लिए भी पॉसिबल नहीं है. सो एलन ट्यूरिंग ने ये प्रपोज किया और प्रूव भी किया कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, या फिर एलन ट्यूरिंग हैज प्रपोज एंड प्रूवन दैट द हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज वन दैट कंप्यूटर कैन नॉट डू. तो इसका प्रूफ, एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं बताया सकता, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं. लेट्स से आपके पास एक मैजिकल प्रोग्राम है एन, और ये जो मैजिकल प्रोग्राम है ये बता सकता है कि कोई प्रोग्राम, अगर आप इसको एज इनपुट दीजिए, तो क्या ये हॉल्ट करेगा या हॉल्ट नहीं करेगा. हॉल्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट लूप में जा सकता है. तो अभी तक ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमने अज्यूम किया, ये हमारा अजम्पशन है कि जो एम प्रोग्राम है वो बता पाएगा ऐसा कि पी प्रोग्राम अगर आप इसको इनपुट दीजिए तो क्या ये हॉल्ट करेगा या नहीं करेगा. अब मान लीजिए कि हमने एक इससे भी बड़ा प्रोग्राम बनाया है और उस प्रोग्राम का नाम है लेट्स से डी प्रोग्राम, और ये जो डी प्रोग्राम है वो क्या करता है, इसके पास कुछ इनपुट्स आएंगे, वही सेम इनपुट ये एम को प्रोवाइड कर देगा, लेकिन एम जो आंसर देगा डी बिल्कुल उसका अपोजिट करेगा. तो एक बार फिर से हम समझते हैं, एम प्रोग्राम है जो कि मैजिकल प्रोग्राम है, जो हमारा अजम्पशन प्रोग्राम है,
ये हमेशा सही बताएगा, और सही क्या बताएगा कि अगर इसको एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो बता देगा कि ये हॉल्ट करेगा कि नहीं ये प्रोग्राम, या फिर ये भी बता देगा कि हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में जाएगा या नहीं जाएगा। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने ये अजम्पशन के साथ ऐसा माना कि एम एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जिस्ट करता है। नाउ इसके बाद हमने माना कि डी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एम से भी बड़ा प्रोग्राम है, और डी में ही एम हमारा रन कर रहा है। तो डी को जो भी इनपुट्स मिलते हैं डी एम को प्रोवाइड कर देता है, और एम जो भी आंसर देगा डी उसका अपोजिट कहता है। तो मान लीजिए कि डी ने अपना ही इनपुट या अपने ही प्रोग्राम को एम को प्रोवाइड कर दिया। सो मान लीजिए कि डी ने जो भी अपना इनपुट एम को जब प्रोवाइड किया, तो एम ने कहा कि ये जो डी प्रोग्राम है वो हॉल्ट करेगा। तो अगर एम ने कहा है कि हॉल्ट करेगा तो डी उसका अपोजिट करेगा, तो डी क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और मान लीजिए कि अगर एम ने कहा कि डी प्रोग्राम जो वो इनफाइनाइट लूप में जाएगा, तो डी इसका अपोजिट करता है, डी कहता है कि हम हॉल्ट करेंगे। तो डी जो है वो जो आउटपुट दे रहा है वो एग्जैक्टली अपोजिट दे रहा है जो कि एम कह रहा है। डी अपने बारे में भी ये कह रहा है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप में जा सकता है, जबकि एम कह रहा है कि वो हॉल्ट होगा। सो ये एक्चुअली एक कंट्राडिक्शन है, एंड वी आर प्रूविंग दिस यूजिंग द कंट्राडिक्शन कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज एक्चुअली अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। सो वी कैन से दैट ट्यूरिंग मशीन्स हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज द अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, एंड देर कैन बी नो प्रोग्राम विच कैन बी डिजाइन विच कैन करेक्टली से दैट वेदर अ गिवन प्रोग्राम गोज इन टू द इनफाइनाइट लूप और इट हॉल्ट्स। सो दिस इज प्रूव बाई कॉन्ट्रडिक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।